एवरी वन वेलकम टू माई स्टॉक रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हेयर सो ये वीडियो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है सबसे पहले मैं आपको अपना आज का पेनल दिखाऊंगा कि आज मैंने क्या कमाया एंड ओवरऑल पेनल फॉर द मंथ जो अभी तक मैंने कमाया है ठीक है रीजन बता दूंगा आप लोगों को एंड uh, uh, जो डेली एनालिसिस है वो कुछ स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है अब दूसरी बात यह है कि कल अभी हमारी फेडमीट चल रही है ठीक है uh, तो एस एन पी फाइव हंड्रेड आप देख सकते हैं इस टाइम पे समवेयर अराउंड पॉइंट सिक्स फोर परसेंट अप है अब आप एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए कि uh, 75 फाइव बेसिस पॉइंट्स जो है ये प्राइस डिन है मार्केट के अंदर अगर इसके ऊपर कुछ होता है ठीक है तो मार्केट में कुछ गिरावट हो सकती है बिकॉज अगर आप इसके अंदर फाइव डेज बैक अगर आप देखेंगे जो गिरावट हुई थी मार्केट के अंदर ये प्राइस डिन है सेवेंटी फाइव बेसिस पॉइंट्स तक इसके ऊपर अगर कुछ हुआ तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट में बाकी वो देखेंगे ठीक है मैं भी प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ मैं भी श्योर नहीं उस चीज़ के पीछे जैसे मार्केट दिखाई है मैं पता चल जाएगा ओके सो मेरी कोई पोजिशन नहीं है कल के लिए अब मैं आपको आज के अपनी पोजिशन दिखा देता हूँ अगर आप ये देखेंगे मैंने निफ्टी सेवेंटी नाइन हंड्रेड पी एम ए अराउंड साढ़े पाँच हज़ार के करीब निकाले थे आज का लॉजिक मेरा ट्रेड करने का बिल्कुल नहीं था बीच में मुझे ट्रेड मिल गया तो मैंने फटाफट एक ट्रेड ले लिया था ठीक है तो वो एक चीज़ थी इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया एंड मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड था तो मैंने सोचा कि वो मार्केट में डाल देता हूँ एंड लिक्विड बीज अभी फॉर द टाइमिंग मैंने ले ली है अभी मुझे पता नहीं है कि मैं इसके अंदर वो स्टॉक्स वाला ट्रेडिंग करूँगा जो मैंने आपको स्टॉप लॉस वाली वीडियो में बताया था या फिर दूसरे वाले अकाउंट में करूँगा बस मैंने अभी डाल के छोड़ दिया है इसमें मैंने लिक्विड बीज डाल दिया ओके एंड जो मैं आप लोगों को उस पर फंड दिखा रहा हूँ उस अकाउंट के अंदर इस अकाउंट के अंदर थ्री थ्री का फंड है ठीक है क्लियर ये मेरा फंड है जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ अब आज का मैं आपको एक बार ये कल तक का पेनल है अगर आप ये देखेंगे मैं आपको दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूँ और राइट यह हो गया ठीक है ओके okay, अब यहाँ पर ये फंड कल तक आ चुका है आज का समवेयर अराउंड फिफ्टी टू हंड्रेड और ऐड हो जाएगा तो समवेयर अराउंड पचास हज़ार रुपये मेरा हो जाएगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मैंने यूट्यूब के लिए तीन लाख वाला अकाउंट बनाया है इसके अंदर मेरा एम है फिफ्टी टू सिक्सटी के हर महीना निकालना ठीक है सिक्स मंथ्स में एम है कि अकाउंट यू नो हंड्रेड परसेंट इंक्रीमेंट हो जाए अकाउंट के अंदर स्लोली स्टेडीली बढ़ा रहा हूँ टोटल आठ लॉट्स में ट्रेड करता हूँ फुल में बट पहली एंट्री चार लॉट के अंदर होती है ठीक है टोटल नुकसान जो दिन का होता है वो आठ हज़ार रुपये का होता है एंड फोर थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड में डिवाइड करके कर रखता हूँ अपनी एंट्रीज आज मेरा कोई मूड नहीं था तो इसलिए आज बस मैंने दो लॉट में ही ट्रेडिंग की ऑल राइट तो मेरा कुछ मन नहीं था ट्रेड करने का तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कम ही कर लेते हैं बेमतलब में नुकसान क्यों लेना ठीक है क्योंकि इस दिन मैंने बेमतलब की ओवर ट्रेडिंग कर ली थी थी तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसी चीज़ दोबारा हो ठीक है तो ये हो गया जस्ट ओके एंड अब आते हैं एनालिसिस पे सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर मैं डेली चार्ट आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर डेली चार्ट आप देख सकते हैं क्लियरली मार्केट एक चीज़ आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो लेवल है दिस इज़ द एटीन थाउजेंड लेवल ठीक है मार्केट इसके ऊपर जाने में थोड़ा शर्मा रही है ओके okay? अब ये जो लेवल है ये बेसिकली एक ब्रैकेट बन रहा है एंड मार्केट सेवेंटीन फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड जो है सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर सपोर्ट ले रही है क्लियर तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि डेली चार्ट पे ये गेम चल रही है हमारी ठीक है ओके अब हम आते हैं पंद्रह मिनट पे पंद्रह मिनट के अंदर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए अगर आपको पंद्रह मिनट का चार्ट दिखेगा तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग लोअर हाइज बना रहे हैं लोअर हाइज बना रहे हैं ठीक है क्लियर एंड राइट तो अब आप एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल लिया है ये लेवल आता है समवेयर अराउंड सेवनटीन सिक्स फिफ्टी तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करती है तो नेक्स्ट लेवल जो हम टेस्ट करेंगे वो होगा सेवनटीन फाइव सेवेंटी फाइव एंड देन सेवनटीन फाइव हंड्रेड टू फोर फिफ्टी ये आपका लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है दोबारा से बता देता हूँ ये लेवल है इंपॉर्टेंट ठीक है ये आता है सिक्स फिफ्टी सेवनटीन सिक्स फिफ्टी इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है देन यू हैव टू टेक अ ट्रेड क्लियर अब एक चीज़ और और पंद्रह मिनट पर ज़रूर देखना क्योंकि पंद्रह मिनट पर एक बार भी अब तक क्लोजिंग नहीं हुई है पाँच मिनट पर हमें देखना थोड़ा फॉल सिग्नल मिल सकता है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट ने इसको गैप अप में तोड़ा था उसके बाद हम लोगों ने इस मूव को बेसिकली पूरा का पूरा इरेज कर दिया सॉर्टेड अब एक चीज़ आप मार्केट का एक पैटर्न को समझ लो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब जब मार्केट एक अच्छी खासी रैली दे रही है इमीडिएटली वो रैली फेड ऑफ़ हो रही है मार्केट रैली दे रही है इमीडिएट फेड ऑफ़ हो रही है तो सम सॉर्ट ऑफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर लोअर हाई फॉर्मेशन का और एक ट्रेंड चल रहा है यह आप ध्यान रखना ये ट्रेंड चेंज होगा जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगी जो कि आता है सेवनटीन नाइन फिफ्टी के अराउंड ठीक है ना नाइन हंड्रेड टू नाइन फिफ्टी के अराउंड तब ये चेंज होगा ये थोड़ा सा मैंने आपको एक लॉन्गर टर्म पे बता दिया लॉन्गर मतलब दो चार दिन वाला हिसाब बता दिया कल आपने क्या करना है मैं आपको ये बता देता हूँ ये मैंने आपको नीचे वाला एरिया बता दिया आप ऊपर वाला सुन लीजिए समवेयर अराउंड सेवनटीन के ऊपर हम लोग बाइंग देखेंगे फॉर सेवनटीन ठीक है ना लेवल टू लेवल प्ले करना यहाँ से यहाँ तक ये यह हमारा गेम होने वाला है और जस्ट इन केस अगर मान लो कि कोई फेड की न्यूज़ आती है कुछ होता है और फेवरेबल होती है कुछ भी होता है और हम गैप अप खोलते हैं लेट से यहाँ पर ठीक है और यहीं पर हम रिजेक्ट कर जाते हैं एक अच्छी खासी रेड कैंडल आ जाती है इसके पास तो यहाँ पर आप पुट खरीद सकते हैं स्टॉप लॉस आपका टॉप होगा बस ये एक ट्रेड हो सकता है ठीक है और अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई और मार्केट यहाँ पर ऐसे खुल गई तो ये एक बाइंग जोन हो सकता है ठीक है ना फाइव फिफ्टीन जो आपको समझ में आए आप उस पर ट्रेड करिए अगर आप बिगनर हैं मैं प्रेफर करूँगा फिफ्टीन मिनट्स पर ट्रेड करिए आपको थोड़ा सा अश्योरेंस रहेगा आपकी फेक एंट्रीज रिड्यूस हो जाएंगी और जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस रखते हैं आप पाँच मिनट पर ट्रेड कर सकते हैं एज यू विश ठीक है तो ये हो गया आ, निफ्टी का आ, बैंक निफ्टी का बताता हूँ उसके बाद मैं लॉजिक बताऊँगा अपने ट्रेड वाला ठीक है आ, एक सेकेंड कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया एरा ठीक है अब क्लियरली आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जोन था ये निफ्टी के अंदर टेकन आउट हो गया था क्लियर बट यहां पर ये जोन टेकन आउट नहीं हो रहा क्लियरली ये जो एरिया है ये वाला यहां पर सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है मार्केट के टूवर्ड्स और ये एरिया आपका फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड से लेके फोर्टी वन सेवन हंड्रेड है ठीक है यहाँ पर बेसिकली मार्केट थोड़ा सा अटक रही है क्लियर ठीक है और जो दूसरा सपोर्ट एरिया है वो आता है ये आप अगर देखेंगे ध्यान से ठीक है ये एरिया है फोर्टी वन वन हंड्रेड तो बेसिकली फोर्टी वन वन हंड्रेड और फोर्टी वन थाउजेंड यह ऑफ सपोर्ट का काम करेंगे इसके नीचे ही गेम चेंज होगा कल का एरिया बता देता हूँ कल का लेवल आपने कहाँ ट्रेड करना है अब ये जो एरिया है फोर्टी वन फोर हंड्रेड मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है फोर्टी वन सेवन हंड्रेड आपका एक लेवल रहेगा अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है जो कि ये लेवल है यहाँ पर तो इस लेवल को हम पहले चेक करेंगे फोर्टी एट हंड्रेड ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात को आप बट यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा सोच समझ के लेना बिकॉज फोर्टी वन थाउजेंड जस्ट राउंड द कॉर्नर है यह ये एक सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट का, का काम कर सकता है तो आंखें खुली रखना है यहाँ पर इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लेना है या कुछ लेना है तो आप फोर्टी एट हंड्रेड के नीचे लेना या फिर फोर्टी वन थाउजेंड के नीचे लेना मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार अगर आपको कन्फ्यूजन हुई होगी तो मैं आई मेक यू अंडरस्टैंड अगैन ये लेवल है फोर्टी वन थाउजेंड का ठीक है इसका ध्यान रखना इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होती है पहली रेड कैंडल या दो दूसरी कैंडल जो भी समथिंग लाइक दिस आप यहाँ पर ट्रेड अपना ले सकते हैं एंड जो टारगेट होगा 4800 होगा एंड देन 4600 होगा इन लेवल्स के साथ आपको ट्रेड करना है इसके अलावा कुछ नहीं करना है मेक श्योर sure जब आप ट्रेड लेते हैं बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे कि जैसे ऑप्शन चेन देखना ठीक है या फिर ओपन इंटरेस्ट देखना या फिर पुट कॉल रेशो देखना या फिर एफ और डी आई इन सब का डेटा देखना लाइव ट्रेडिंग के अंदर ये सब बकवास है सब खुद्दू हरकतें हैं कुछ नहीं कर पाओगे इन सब चीज़ों से प्राइस को देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगा रखा दिस इज़ ऑल नेकेड ठीक है ना ये पैसा कमा के देगा टाइम पास करोगे ना फालतू चीज़ें देख देख के उससे कुछ नहीं होने वाला ओपन इंटरेस्ट इन सबका एक टाइम होता है पूरे टाइम इसको नहीं देखा जाता ठीक है बहुत लोग डेटा बता बता के ट्रेडिंग करने की बातें करते हैं कंसिस्टेंट ट्रेडिंग नहीं हो पाती उन सब चीज़ों से कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्राइस को देख के ही होगी जब आप साइज़ बढ़ाते हैं कुछ करते हैं तब थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए होता उन सब चीज़ों पर आप ऐसे एरियाज़ पर डेटा को चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन चेन एंड ऑल दैट इन सबक आप देखते हैं ये उसका रोल होता है वीडियो बना रखिए आप जाके देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लिस्ट बना रखिए आप लोगों के लिए जो नए हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं आती आप आराम से सीख सकते हैं आपको किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है ठीक है मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं पे ट्रेनिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ इज जस्ट दैट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के पास एक ऑप्शन है वो जाके देख सकते हैं अगर मेरी बातें समझ में आती है गुड नफ फर यू और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप जाके किसी का कोर्स बाय कर सकते हैं ठीक है सीधी सी बात यह है एंड ये हो गया ये लेवल्स हैं इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना ठीक है थीके? अब मैं आपको आज का एक लॉजिक बता देता हूँ कि आज मैंने ट्रेड क्यों लिया था आ, एक सेकेंड ठीक है आप ये देख सकते हैं एलेवन ट्वेंटी सेवन पर मैंने आ, निफ्टी का ये ट्रेड लिया था ठीक है मैं आपको निफ्टी में दिखा देता हूँ ठीक है ट्रेड लॉजिक अराउंड ये ये वाला ट्रेड लॉजिक मैं सी वाली वीडियो में भी यूज़ करूँगा उस दिन समझाऊंगा एक और लॉजिक कि मैंने क्यों ये यूज़ किया क्या लॉजिक था उसके पीछे वो उस वीडियो में होगा मोस्ट प्रॉब्बली संडे को आएगी वो ठीक है मैं कल अनाउंसमेंट कर दूंगा उसकी तो इसका सीधा सा लॉजिक ये था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे इलेवन कौन सी कैंडल इलेवन ट्वेंटी की मैं पाँच मिनट पर जाता हूँ कहाँ गई एलेवन ट्वेंटी ये वाली ठीक है अब यहाँ पर जो मार्केट थी ना ये सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर गई ऊपर रिजेक्ट हो गई तो क्लियरली ये जो लेवल था ना जो बुल्स ने गेनिंग की थी ये रिड्यूस कर दी वापस बुल वापस जा रहे हैं अगर आप ध्यान देंगे इस लेवल को अगर आप देखेंगे इसका 50 परसेंट के अराउंड ही मार्केट ने क्या किया है रेजिस्टेंस लिया और फिर टूटने लग गई ठीक है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था एम मेरा यहाँ तक का ही था बट फिर एक क्रैक हो गई यहाँ पर कहीं पर मैंने बुक कर लिया बस इतना सा मेरा ट्रेड था इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया मेरा मूड नहीं था ट्रेड करने का फेड वेड के चक्कर में मैं और कुछ काम भी कर रहा था तो बट फिर मुझे ट्रेड दिख गया तो मैंने ले लिया ओके तो बड़े अकाउंट में मैंने ट्रेड नहीं किया बस मैंने इसमें ट्रेड किया आज आज मेरा मूड नहीं था किसी भी चीज़ में ट्रेड करने का ठीक है तो दिस इज इट आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ एंड एनालिसिस अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मुझे फेड मीटिंग का कुछ इसमें डालना था मुझे लगा तब तो तक कुछ न्यूज़ आ जाएगी बट आई नहीं थी सो so, वो वो बात थी ओके okay? एंड अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताना एंड तभी लाइक like करना अगर वीडियो अच्छी लगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच